रहा है तो तू सामने जाएगा कि मैं जाऊंगा? मैं जाऊंगा। काफी दिनों से मैं एक्टिव नहीं था, बट कुछ सम्स थे उसकी वजह से, तो आज मुझे टाइम मिला है। तो आज हम जा रहे हैं, हमारे नागपुर में एक स्पॉट है जिसका नाम है डेगमा, तो जा रहे हैं हम अभी, तो वहीं पे जाने के लिए। तो आप जब हिंगना की तरफ आते हो, अगर आप नागपुर में हो, और अगला जो ये रूट है जो कि डेगमा की तरफ सीधा आता है, ये सीधा रूट है, ऐसे राइट लेकर 7 किलोमीटर अंदर की ओर जाना है, तो आपको वहाँ जाके स्पॉट मिलेगा। अब हम लोग भी वहाँ गए नहीं है, हम लोग भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, तो मुझे उसके बारे में कुछ जानकारी ज़्यादा है नहीं। तो अब हम यहाँ से आगे की ओर जाएंगे और आपको वहाँ का सारा व्यू दिखाने वाले हैं। गाइस, वहाँ की जो जगह है ना, वो बहुत ही सुपर्ब है, ऐसा मैंने सारे वीडियोस में देखा है। तो मुझे को हम जब वहाँ जाएंगे तो वहाँ की सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, तो तभी पता चलेगी कि वो रियलिटी है या फेक है। तो अब हम वहाँ जाएंगे और वहाँ का आपको सारा व्यू, तो चलो चलते। डेगमा वाटरफॉल की ओर जा रहे हैं, हम पहुंच चुके हैं डेगमा वाटरफॉल। और जस्ट आप मेरे पीछे देख सकते हो, मैंने कार पार्क कर दिया है, क्योंकि यहाँ पे गाइस, यहाँ से आप देख सकते हो मेरे आगे में, यहाँ पे बहुत ही बड़ा गड्ढा है, यहाँ पे कुछ ऐसा रोड नहीं है क्योंकि हम जंगल में हैं, तो मुझे मेरी गाड़ी यहाँ से जाएगी नहीं, तो इसलिए मैंने गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है। अब हम यहाँ से आगे की ओर जा रहे हैं, तो मैं यहाँ से, आप वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं यहाँ से आपको सारा को आगे का व्यू दिखाने वाला हूँ। यार गाइस, बहुत ही अच्छा व्यू है ये, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। अगर आप भी आते हो डेगमा वाटरफॉल, तो कंफ्यूज नहीं होना है, रोड पे आप गूगल मैप पे डेगमा वाटरफॉल डालते हो तो वो स्पॉट पे पहुंचा देता है, वहाँ से कन्फ्यूज़न होता है, बट वहाँ से एक रोड अंदर की ओर आता है, कच्चा रोड है, तो वहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने आपको वीडियो में सारा व्यू दिखाया है, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो अब हम आगे की ओर जा रहे हैं, आपको आगे का व्यू दिखा रहे हैं, तो प्लीज़ बने रहे। नज़दीक आ चुके हैं डेगमा वाटरफॉल के, तो हम आगे जा रहे हैं, आपको आगे का व्यू दिखाने के लिए। तो आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आपको यहाँ का वाटरफॉल जरूर दिखेगा, क्योंकि अभी बारिश तो है नहीं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पानी कम है, बट कोई दिक्कत नहीं, मेरी लेस खुल चुकी है, मैं अभी पहले लेस बांध लेता हूँ, वरना मैं गिर सकता हूँ यहाँ पे, तो सेफ्टी का ध्यान आपको रखना ही है। और गाइस नहीं है, तो हम अब आगे जा रहे हैं। आएगा रे बाबा, खाई खाइए बोल। तो गाइस, हम फाइनली पहुंच चुके हैं डेगमा वाटरफॉल के पास, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वाटरफॉल के पास पहुंच चुका हूँ, डेगमा वाटरफॉल के पास, लेकिन मैं अब अनलकी हूँ, मैं इसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ। मुझे यहाँ पे आने के बाद ये दिख रहा है, तो मैं कौन सा वाटरफॉल दिखाऊँ आपको यहाँ पे, गाइस यहाँ पे पानी ही नहीं है, क्योंकि हम अभी समर के सीज़न में आए हैं, जब आप विंटर वगैरह के सीज़न में आते हो तो वहाँ पे आपको पानी देखने को मिलेगा, अभी फ़िलहाल यहाँ पे पानी है नहीं। तो थोड़ा थोड़ा पानी तो गिर रहा है अभी, आइए यहाँ से अपने को यहाँ से घूम के जाना होता है, क्योंकि हमें अभी नीचे की ओर जाना है। आप देख सकते हो वो दो लड़के वहाँ पे घूम रहे हैं, तो हमें भी वहाँ पे जाना है, लेके जाना पड़ेगा वहाँ पे, तो मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ से जाना है। गाइस, यहाँ पे जब भी आप आते हो तो केयरफुली आना है, क्योंकि ये यहाँ काफ़ी ऊंचाई पे है ये, और हम अब नीचे की ओर जा रहे हैं, तो प्लीज से जब भी आते हो तो सेफ्टी से आओ अपने, और
फाइनली मैं आपको नीचे का डेगमा वाटरफॉल का व्यू दिखाने वाला हूँ। बारिश की वजह से यहाँ पे पानी नहीं है, इसमें मेरी गलती नहीं है गाइस, लेकिन इसका नाम ही है डेगमा वाटरफॉल, तो ठीक है, इट्स ओके। अगर पानी नहीं भी है तो आप यहाँ पे आके अपनी फोटोज निकाल सकते हो। ये जो मेरे पीछे आप व्यू देख रहे हो ना, कितना कितना जबरदस्त व्यू है यार, मतलब आप फोटो यहाँ निकालते हो तो बहुत ही अच्छी फोटो आने वाली है, आपका बैकग्राउंड बहुत अच्छा आने वाला है। तो मैं आपको अभी लेके चल रहा हूँ नीचे की ओर, वहाँ से आपको प्रॉपर व्यू दिखाना होगा, तो आप मेरे पीछे पीछे आ जाओ। तो टेंशन लेने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैं खुद गर्मी के मौसम में आया हूँ, तो यहाँ मुझे कौन सा पानी मिलने वाला है। तो जनरली जब आपको जब भी आना है तो आप बरसात के मौसम में आइए। ये आप मेरे पीछे देखिए, आपको दिख ही रहा होगा है ये वाटरफॉल, आपको कंफ्यूज होना नहीं है, गूगल मैप पे डालना है वाटरफॉल। वहाँ से आपको जस्ट 400 मीटर्स अंदर आना होता है, बिकॉज ऑफ आपकी गाड़ी नहीं आएगी क्योंकि वो रास्ता अच्छा नहीं है, कच्चा रास्ता है। तो वहाँ से आते आते मैंने आपको सारा व्यू दिखाया है, अभी हम यहाँ पे एंड करते हैं हमारा वीडियो। और ये आप व्यू देख लो पीछे का, जब भी आप आते हो यहाँ पे अच्छी अच्छी फ़ोटोज़, अगर आपको टाइम मिल रहा है गर्मी में भी अगर आप आते हो, ठीक है आ जाओ, आपको फ़ोटोज़ निकालना है आप फ़ोटोज़ निकाल सकते हो। तो बच के लिए इतना ही था, अब हम घर की ओर जा रहे हैं वापस, हम भी अब यहाँ पे अच्छी अच्छी हमारी फ़ोटोज़ निकालेंगे, उसके बाद वापस जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तो आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, और लाइक करना भूलो मत, और हाँ सबसे मेन बात सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोज़ लाते रहूँगा।